बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूती और अपशकुन ही कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती, इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय के नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के एक दो दिन के बाद विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर किसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए कुत्ता खरीदा और उसे उसके साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झाँक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के, तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते उचे अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी यह पाँव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद अपना पावर बाहर निकलने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ता कुछ पता नहीं चल पाता। बहुत ढूंढने पर जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उन्हें को दोबारा मिलने की आस में वही रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत है, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। उसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। सो आई होप गाइस आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।